हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपलएससी ANM 9212 भर्ती की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो गई है, और जब से आप लोगों का DV हुआ है और उसके बाद कई सारे जानकारियां आपको इसमें मिली और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी कोर्ट केस कभी कोई रिट, तो काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे थे। कई बार जो UP SSC आयोग से आप लोग मिलने गए, कई बार जो हमारे CM हैं UP के उनसे आप लोगों ने मुलाकात करी और पूरा प्रयास किया, तो उसका जो रिज़ल्ट है आप लोगों को मिला और जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई है। तो भर्ती प्रक्रिया में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आया हुआ है कि आप लोग क्या हैं कि जो आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेट दी गई है, और डेट के हिसाब से आप लोगों को जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आप काम करना चाहते हो उन डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आती है कि मनपसंद ज़िलों का चयन कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे जॉब करना चाहते हो या सपोज दैट आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट पहले चाहते हो उसको आप पहली प्राथमिकता दोगे। ठीक है, सपोज दैट आप पीलीभीत के रहने वाले हो तो आप पीलीभीत दे सकते हो, और नियर बाई जो ज़िले हैं जो आपके निकट के हैं जैसे सीतापुर हो गया या फिर आप लोगों का सहारनपुर हो गया या जो भी आपके पास के ज़िले हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके हिसाब से आप ज़िलों का चयन करोगे। ठीक है, 3 ज़िलों का चयन करना होगा, इच्छित ज़िलों का जो आप चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हो गई, इसमें एक और ऑप्शन होंगे, उसमें महत्वाकांक्षी ज़िले और बुंदेलखंड के ज़िले। ठीक है, तो 3 तो आपके क्या हो गए, मनचाहे ज़िले हो गए, और उसके बाद क्या होगा, महत्वाकांक्षी ज़िले, उसमें भी कई सारे ज़िले हैं तो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें से भी आपको एक का चयन करना होगा, और जो बुंदेलखंड होगा उसमें से भी आपका एक का चयन करना होगा। ठीक है, यानी टोटल 5 का चयन करना होगा। तो पहले तो आप 3 अपने मनचाहे ज़िलों का चयन करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप जो महत्वाकांक्षी ज़िले हैं उसका चयन करोगे। जो महत्वाकांक्षी ज़िले हैं और बुंदेलखंड के ज़िले हैं उसका मैं अलग से डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, और उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कि कौन कौन से ज़िले महत्वाकांक्षी ज़िलों में आते हैं और कौन से आपके बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में भी 6-7 ज़िले हैं, जैसे महोबा, हमीरपुर, ठीक है, जालौन, ये सब ज़िले बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो चयन होगा, ये सारा चयन आप लोगों को कहाँ जाना होगा, इंदिरा नगर में जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पे जाना होगा। इसका एड्रेस आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, और जो आपसे जुड़े हुए प्रपत्र हैं, जो आपको कॉल लेटर मिला था जो कि DV के समय, उसको भी आपको ले जाना होगा, और उसका भी मैं अलग सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ले जाना होगा। तो मनपसंद ज़िलों का चयन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ज़िले आप लोगों का चयन करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो ज़िले मिले, क्योंकि वहाँ पर रिक्तियाँ यानी जो वैकेंसीज होंगी ANM की, उसके हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। सपोज दैट किसी ज़िले में 50 जो रिक्तियां हैं, जगह हैं, ठीक है, और वो क्या है, और आप सभी लोगों ने क्या किया कि 50 से ज़्यादा लोगों ने अपना ज़िला मांगा, तो उसमें क्या होगा कि उनका एक जो करने का तरीका होता है सेलेक्ट करने का, तो इस चीज़ के बारे में तो पूरा डिटेल नहीं बताया है उन लोगों ने, स्पष्ट किया है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर सिंपली जो सेलेक्ट करेगा पहला प्राथमिकता देगा उसके बेसिस पर करेगा, इसको भी क्लियर नहीं किया गया है।
ठीक है, तो वहाँ पे जो मेन जो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है वो किया है उन्होंने रिक्तियों के आधार पर। अगर ज़िले में रिक्तियाँ होंगी और आप लोग उसके लिए प्रेफरेंस मांगते हो तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर उसमें रिक्तियाँ नहीं होंगी तो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, ठीक है, जो दूसरी प्राथमिकता आपको होगी, तो दूसरी प्राथमिकता में आपको रखा जा सकता है, जैसे कि दूसरे ज़िले में। फिर दूसरे में भी अगर नहीं होंगे तो तीसरे में, और अगर तीनों में नहीं रहती तो आपको महत्वाकांक्षी या बुंदेलखंड के ज़िले भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब आप जाओगे और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा तभी आपको क्लियर पता चल पाएगा। आप जब भी सेलेक्ट करोगे तो आप क्लियर नहीं जान सकते हो कि कौन सा ज़िला मिलेगा। आप जो 5 जिले सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे वो लोग आपको फाइनली ज़िला अलॉट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ सब कि बहुत सारे लोग एनएम स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये कहना है कि जो भी नोटिफिकेशन आया है वो वेबसाइट पर क्यों नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग ठीक से जान भी नहीं पाए हैं कि किस में पब्लिश हुआ है। तो गाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर क्यों नहीं आया है। तो वेबसाइट पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये काम UP SSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितने भी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, प्रोविजनल को छोड़कर, तो उनको फाइल क्या है हैंडओवर कर दी है, ठीक है, परिवार कल्याण विभाग को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तो वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहा है। इसलिए उसने नोटिफिकेशन किसी वेबसाइट पर एक तरीके से नहीं दिया है UP SSC की, और पेपर में पब्लिश करवाया है। ठीक है, तो आप सभी लोग जिनके भी रोल नंबर आते हैं स्पेशल डेट में किस डेट को जाना है तो आप सभी लोग जाइए और अपनी काउंसलिंग करवाइए, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है उसको ज़रूर भरिए ठीक से। ठीक है, तो ये आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया, क्योंकि जो सारा काम है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर रहा है अब ज्वाइनिंग का, UP SSC आयोग से इसका अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसकी नोटिफिकेशन UP SSC आयोग ने उस पर नहीं अपलोड करी है। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और उसके बाद क्या होगा कि जो लोग प्रोविजनल में आते हैं तो प्रोविजनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी, ठीक है, वो नोटिफिकेशन आपको UP SSC आयोग की वेबसाइट पर ही मिलेगी, क्योंकि UP SSC आयोग पहले इन लोगों का DV फिर से करवाएगा, ठीक है, उसके बाद जो फाइल होगी वो हैंड ओवर होगी। ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक का सभी लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रोसेस इस महीने कंप्लीट होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि 27-28 तारीख का जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनका ही क्या होगा, उनके ही जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है उनको भरवाया जाएगा, उसके बाद ही जो प्रोविजनल एप्लीकेंट्स हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और भी जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी इस पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।